गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी जो है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ज़रूरी काम ना हो आप अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, एक मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए बिल्कुल भी ना निकले, और अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखे। घर के अंदर भी आप मास्क पहन के रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम कलेक्ट करने जा रहे हैं वर्बीना के सीड्स। तो ये वर्बीना जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल विंटर का फ्लावर है, बट जब समर आती है तो ये ड्राई अप होने लगता है और इसके अंदर जो सीड्स है वो बनने लगते हैं। तो आज वही सीड्स हम कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और इसके सीड्स कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो वर्बीना का प्लांट है पूरी तरह से ड्राई अप हो चुका है, क्योंकि अब इसका जो सीजन है वो जा रहा है, तो यही सही समय होता है सीड कलेक्ट करने का। तो हमें जो है वो सीड कलेक्ट इसके कर लेने चाहिए नेक्स्ट सीजन के लिए, और उनको प्रिजर्व करके रख लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट सीजन में हमें जो है सीड परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वर्बीना से जो है कैसे सीड्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और जो वर्बीना के सीड्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपको ये पूरी तरह से जो ड्राई अप नजर आ रहे होंगे, ये वाले इनके ये सीड पॉड हैं, और इसके अंदर जो होते हैं वो सीड्स होते हैं। तो सबसे पहले मुझे इनको कलेक्ट करना है और इसके अंदर से जो है वो मैं सीड्स निकालने वाला हूं। तो एक एक करके मैं इसके अंदर से ये जो है कलेक्ट करता हूं। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, जो पूरी तरह से ड्राई अप हो चुका है, सिर्फ आपको उसी को कलेक्ट करना है। सीड ये नहीं है, ये सीड नहीं है, सीड पॉड, ये सीड पॉड है, सीड जो है वो इसके अंदर है। तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं इनको। जो भी ड्राई अप आपको नजर आ रहा हो वो सब आप जो है वो निकाल लीजिए, क्योंकि ये टाइम है बिल्कुल सही, क्योंकि अब तो ये विंटर का प्लांट था, समर में सर्वाइवल जो है इसका काफी टफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सीड पॉड्स थे वो सारे के सारे जो है वो मैंने इसके अंदर से निकाल लिए हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सीड्स जो है वो उसके अंदर होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रश करना पड़ेगा, और सीड्स इसके अंदर से छोटे छोटे से बिल्कुल काले काले से जो सीड्स हैं वो निकलने वाले हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो वर्बीना के सीड्स हैं वो किस इस तरीके से छोटे छोटे से लंबे से नजर आते हैं। ये देखिए सर, तो ये वर्बीना के सीड्स हैं जो हमने इस सीड पॉड के अंदर से जो है वो निकाले हैं। तो काफी सीड पॉड से हमने जो है वो सीड कलेक्ट कर लिए, और मैं सारे सीड्स कलेक्ट करता हूं और आपको वो सारे के सारे एक साथ दिखाता हूं, और आगे आपको बताऊंगा कि प्रिजर्व करते करके रखना है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो वर्बीना के सीड्स है वो मैंने सीड पॉट से कलेक्ट निकाल लिए हैं, और ये देखिए काफी जो वर्बीना के सीड्स है वो मेरे कलेक्ट हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से वर्बीना के जो सीड्स हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं इनको प्रिजर्व करके रखने की बात करूं तो सबसे पहले कम से कम 2 से 3 दिन तक पूरी तरह से इन सीड्स को आपको ड्राई अप करना है, ताकि इनके अंदर से जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको किसी भी फंजिसाइड पाउडर के अंदर डाल के रख सकते हैं। अगर आपके पास फंजिसाइड पाउडर नहीं है तो वुड ऐश या उपले की राख में भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।